रामबाड़ौदा वेयरहाउस पर 5 दिन से खरीदी बंद, किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामबाड़ौदा स्थित सावित्री वेयरहाउस पर समर्थन मूल्य पर चल रही चना, सरसों, गेहूं की उपज की खरीदी पिछले 5 दिन से बंद है, जिसके कारण किसानों ने गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला व पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि किसान नेता हरि सिंह लवली के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी बनने का ढोंग करता है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र शिवपुर में किसानों को खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है व किसानों का शोषण किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से रामबड़ौदा में सावित्री वेयर हाउस पर चना, सरसों और गेहूं की उपज की खरीदी बंद है, जिसके कारण किसान परेशान है व दर दर भटकने को मजबूर है। प्रशासन खरीदी केंद्र पर किसानों की उपज खरीदी की व्यवस्थाएं बनाने के नाकाम साबित हुआ है। खरीदी केंद्र में लगी संस्थाओं व वेयर हाउस प्रबंधन में आपस में खींचतान चल रही है। किसानों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद चना, सरसों का खरीद केंद्र प्रारंभ कर दिए गए, परंतु गेहूं की खरीदी बंद रही। इस अवसर पर किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही खरीदी केंद्र सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हुआ, आगामी दिनों में किसानों के साथ चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के रामबड़ौदा वेयर हाउस पर शासन ने खरीद केंद्र बनाया हुआ है, परंतु यहाँ पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। पिछले लगभग 5 दिनों से चना, सरसों और गेहूं की जो खरीदी है वो पूर्ण रूप से बंद है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी होने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, परंतु धरातल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में किसानों का शोषण हो रहा है। किसान परेशान है, यहाँ खरीद केंद्र पर किसानों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तुलाई जो केंद्र है वो पूर्ण रूप से बंद है, इसलिए आज हम यहाँ पर किसानों की सूचना पर आए और श्योपुर प्रशासन से मांग कर रहे हैं किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, खरीद केंद्र को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चालू किया जाए, अन्यथा हम किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम करना पड़ेगा तो चक्का जाम और जो प्रदर्शन आंदोलन का स्वरूप है उसको उग्र करेंगे। जो खरीदी केंद्र है वहाँ सभी किसान बहुत ही परेशान हैं, उनकी समय पर तुलाई नहीं हो रही है, प्रशासन उनको गुमराह करने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहा है। अभी तक गेहूं और चने की, वो सरसों और चने की खरीदी बंद थी तो अभी वो चालू करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, परंतु गेहूं खरीदी का कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ है।